पीएम मोदी पर दर्ज हुआ देशद्रोह का केस। नाम नरेंद्र मोदी, पद प्रधानमंत्री, आरोप देशद्रोह। कोर्ट में घसीटे गए मोदी और उनके मंत्री। नाम अमित शाह, पद गृह मंत्री, आरोप देशद्रोह। मोदी एंड कंपनी हाजिर हों। नाम निर्मला सीतारमण, पद वित्त मंत्री, आरोप देशद्रोह। नाम अश्वनी वैष्णव, पद रेल मंत्री, आरोप देशद्रोह। नाम ज्योतिरादित्य सिंधिया, पद उड्डयन मंत्री, आरोप देशद्रोह। आपको ये सुनकर हैरानी हो सकती है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके मंत्रियों के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया है। जो मोदी सरकार लोगों को देशभक्ति के सर्टिफिकेट बांटती है, अब वही मोदी सरकार देशद्रोह की आरोपी बन गई है। मोदी और उनके मंत्रियों पर देशद्रोह का केस दर्ज हुआ है। सबसे बड़ी बात ये कि कोर्ट ने इस केस पर सुनवाई की तारीख का भी ऐलान कर दिया है, यानी मोदी और उनके मंत्रियों को कोर्ट में घसीट लिया गया। दरअसल बिहार के मुजफ्फरपुर में पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ केस दायर किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव और उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ कोर्ट में शुक्रवार को परिवाद दाखिल किया गया था। ये केस जैतपुर ओपी पोखरा निवासी अधिवक्ता विनायक कुमार ओझा ने दाखिल किया है। कोर्ट ने मामले को सुनवाई पर रखा है और उसके लिए 6 अगस्त की तारीख भी मुकर्रर की है। केस करने वाले वकील ने कहा कि जिस तरह से पीएम मोदी और उनके मंत्री देश की सरकारी संपत्तियों को बेच रहे हैं, वो सीधा सीधा देशद्रोह है। भारत के संविधान के आर्टिकल 21, 37, 38, 39 का खुलेआम उल्लंघन इन लोगों के द्वारा की गई है, जबकि वो संविधान में कहा गया है कि मौलिक के अधिकार का किसी का अपहरण नहीं कर सकते हैं। लगातार निजीकरण इन लोगों द्वारा की जा रही है, जबकि सरकारीकरण को बढ़ावा देना है, निजीकरण नहीं करना है। तो संविधान के उल्लंघन को लेकर के यह देशद्रोह का मुकदमा इन सभी के खिलाफ और 50 अज्ञात के खिलाफ दर्ज कराया गया है। माननीय न्यायालय ने स्वीकार करते हुए 6/8 की तिथि सुनवाई हेतु निर्धारित की। यानी मैं देश नहीं बिकने दूंगा कहने वाले पीएम मोदी पर देश की संपत्तियां बेचने के आरोप में देशद्रोह का केस किया गया है। अगर कोर्ट ने केस को आगे बढ़ाया, सुनवाई हुई, दलील दी गई, तो ये भी मुमकिन है कि पीएम मोदी और उनके मंत्रियों को कोर्ट में हाजिर होने का ऑर्डर भी मिलोर्ड सुना दें। कानून का डंडा चला तो विरोधियों ने भी मोदी सरकार को घेरने में देर नहीं की। बिहार कांग्रेस के नेता राजेश राठौड़ ने ट्विटर पर लिखा, पीएम मोदी एवं अन्य 5 के विरोध मुजफ्फरपुर में निजीकरण को बढ़ावा देने के लिए देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया है। सरकारी नौकरी खत्म करने वाली, आरक्षण मिटाने वाली, संविधान विरोधी, युवाओं को बेरोजगार रखने वाली निजीकरण की नीति को देशद्रोही माना जाना चाहिए। अब ऐसे वक्त में जब हर कोई सरकार की चाकरी में लगा है, ऐसे में अगर कोई जज पीएम मोदी और उनके गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ केस पर सुनवाई की हिम्मत दिखाता है तो उसे सलाम तो जरूर किया जाना चाहिए। आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट में जरूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज़ वीक।